वो क्लिनिक पे लेके जाना है, बल्कि उसका नाम तो अब जैक है। जैक को ना क्लिनिक पे लेके जाना है चाचू, और मैं जा जी गाँव में पूरा फोन नीचे रखा है, इसको सीपीएसएम से रखना था जी। ये बंद रखने की वजह से सब जगह पर रहने की वजह से जॉइंट की प्रॉब्लम आ जाती है, तो ये ज़्यादा मिट्टी वगैरह में रखें ना फिर ठीक रहते हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे आप? उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। दोस्तों आज हमने अपने डॉग को क्लिनिक पे लेके जाना है, बल्कि उसका नाम तो अब जैक है। जैक को ना क्लिनिक पे लेके जाना है चाचू, और मैं जाने लगे थे तो मैंने कहा वीडियो भी शुरू करते हैं, और उसको मैं पहले ही नीचे ले गया था, मैंने तो यहाँ पर बैठा हुआ है, और अभी हम जा रहे हैं और सीधा उसको क्लिनिक पर लेके चलते हैं। यहाँ पर काफ़ी शोर भी हो रहा है क्योंकि सामने काम वगैरह चल रहा है। अभी हम जाते हैं और जाके आपको दिखाते हैं, उसका ट्रीटमेंट शुरू करते हैं जो उसके पाँव का था ना, और बाकी सारा उसका पूछ लेंगे, उसकी वैक्सीनेशन वगैरह कब होगी। तो अभी जाते हैं, आपको क्लिनिक पे जाके मिलते हैं। चाचू जैक को नीचे ले गए हैं, और ये सारा क्लिनिक है नीचे है, अभी हम जा रहे हैं। इसी वो ले गए थे तो मैंने कहा वीडियो शुरू कर लेते हैं। जैक मेरी तरफ ही देख रहा, आ जा दोस्तों। कैट्स के हाउस भी बने हुए हैं, हम लोग भी सारी ये चीज़ें हैं इसकी। जैक और जैक आ गया डॉक्टर के पास जी, अब इसका सारा ट्रेन इसकी वो करेंगे सारी, ये सारी है इंशाल्लाह, यहाँ से इसकी शूटिंग करेंगे। अभी तो अंदर एक कैट का चेक कर रहे हैं, और ये सारी इनकी सारी प्यारी प्यारी बर्ड्स, इनके डॉग फूड सारा कुछ है। और अभी हमारे छोटे बेबी के लिए होता है ये जी, दोस्तों ये छोटे किटन के लिए है, और वो भरी कैट्स के लिए होता है, और ये बॉक्स भी है। और ये सारी है, और अंदर जाके हमें इसको चेक कराना पड़ेगा। और अभी चाचू और मैं इसको लेके अंदर चलते हैं, फिर आपको डॉक्टर साहब जब इसे चेक करेंगे आपको सारा दिखाते हैं। इसको अंदर ले आए और डॉक्टर साहब उस साइड पे लिए, वो कह रहे हैं वेट करें और इसका भी हम चेकअप वगैरह करें, फिर आपको बताते हैं। और किधर यूट्यूब बनाएंगे हम, उधर जाएंगे। और ना इसको टिक्स भी आ जाते हैं, अभी मैं आते हैं उस तरह से टिक्स वगैरह उसका, फिर एक फ्लिएंट एक स्प्रे आता है, आप उस स्प्रे मारना पड़ेगा, वो फिर उस स्प्रे मारना पड़ेगा। अभी क्या इंजेक्शन लगे हो गया नहीं, काटता वगैरह तो नहीं है, लेकिन वो आपको करके रखना पड़ेगा ना, इंजेक्शन लगने के लिए काट देना साहब हमारे यहाँ, तो इस पर इंजेक्शन वगैरह लगाएंगे तो मुझे तो डर लग रहा है। नहीं नहीं डरने की जरूरत नहीं है, ये फादर वाले से इंजेक्शन लगवाएं, आगे दुनिया देखेगी फिर आपको पता है। बस इसको पकड़ के रखो ना, यह समझ लो बेबी को इंजेक्शन लग रहा है, ऐसी है आपको लग रहा है ये समझे, आपके साथ फ्रेंडली है ना, फ्रेंडली इसके तो नहीं बैठ करेगा आपको, ये वैसे भी नहीं करता अपने दो तीन दिनों में इसको ना, और ये बहुत अच्छा है कुछ भी नहीं, दोनों ना इसके दोनों जो आएंगे अगले दोनों से नीचे रखे थे ना, ये वाला जेगी ये ज्यादा लगता है सुनने को, इसमें पहले तो ये काफी बड़े बड़े हो गए, नीचे जख्म तो नहीं था? नहीं नहीं ये
जैक अच्छा बच्चा। पीछे वाले इसके ठीक है, आगे वाला मस्त नहीं, ये स्टाइलिश है सर। ये ज्यादा वॉक करता ना थक भी जाता है, बैठ जाता है, उसको पेन होता है ना यहाँ पे। तो इसको इंजेक्शन लगने लगा, और कौन इंजेक्शन लगे? दोनों की, एक विटामिन इसका और एक पेन किलर है। अच्छा, कुछ कुछ नहीं है यहाँ से वीडियो बना के दोनों इंजेक्शन लग गए, और अभी इसको और के चलो और इसके काफी इन्होंने ना और भी चेकअप वगैरह किया था, इसकी वैक्सीनेशन का उन्होंने कहा था, वो भी इसको लगवानी है, वो भी इसको भी नहीं लगी, तो उन्होंने ये इसकी मेडिसिन दी थी। मैं आपको बताता हूँ, ये पाउडर था, मैंने इसको इसके अंदर डाल दिया और इसको इसके बीच में मिक्स कर लिया, ये सारा लगा हुआ। उन्होंने बोला था कि जो ये खाना खाता है ना, इसके अंदर आप इसे मिक्स करके दे दें, जो इसकी ये वाले जॉइंट है ना वो सही हो जाएंगे। तो अब इसको डालते हैं, अभी थोड़ा गर्म है तो इसको अभी खाना वगैरह हम देते हैं, अभी थोड़ा ठंडा हो जाए ना फिर डालते हैं। तो मिक्स तो मैंने कर दिया अच्छे से, अब इसको नानी को करते हैं, इसको अच्छी जगह पर रख दे, क्योंकि सुबह भी इसको देनी है, एक टाइम देना करना है खाने के अंदर। तो अभी तो बिल्कुल सही है, उन्होंने इसको दो इंजेक्शन भी लगाए हैं और एक बाद में भी लगाया था, बाकी इसकी वैक्सीनेशन भी वो करेंगे, कल भी इसको लेके जाएंगे शायद, उन्होंने बोला था वो। तो अभी इसको ही रख के आता है ना, तो इसके अंदर इसको भी देखते हैं, अभी तो हल्का हल्का गर्म है, मैं आपको इसको ठंडा करके ना फिर आपको मिलता हूँ। ठंडा हो गया और अब इसको खिलाते हैं, और तो दे देते हैं, अभी आराम से खा लेगा। तो बाकी अब देखेंगे, डॉक्टर हमें कॉल करके बता देगा अगर इसको कल लेके जाना होगा, नहीं तो पता नहीं लगेगा। तो दोस्तों, ये थी आज की हमारी वीडियो, उम्मीद करूँगा आपको पसंद आई होगी। हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना भूलना नहीं, इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट प्रोग्राम करना है।